हेलो फ्रेंड, सी जी पी एस सी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, एक छोटा सा अपडेट देना था आप लोग को। जो बीजापुर और बस्तर वाले हैं, लगातार आप लोग परेशान हो रहे थे कि सर हमारे पास कॉल नहीं आ रहा है, कॉल नहीं आ रहा है करके। तो ध्यान दीजिए, अभी वहाँ बात हुआ है, कॉल कर रहे हैं हम लोग, बोले हैं शाम से चालू हो गया होगा या फिर अभी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आज रात तक आपको कॉल आएगा, आप लोग कॉल को अटेंड कीजिएगा, एक्टिव रहिएगा। और नहीं भी आएगा तो भी आप कल जाके आप वहाँ ज्वाइनिंग लेटर ले सकते हैं। ठीक है, तो सामान पैक कर लीजिए, रेडी रहिए और पूरा ज्वाइनिंग के लेने के लिए तैयार के जाइएगा। पूरे डॉक्यूमेंट के साथ A to Z लेके जाइएगा, ताकि आप ज्वाइनिंग लेटर ले और उसी दिन तत्काल लेने के बाद बीओ ऑफिस जाइएगा। बीओ ऑफिस के बाद तत्काल वहाँ एक आवेदन बना दीजिएगा कि ज्वाइनिंग करने आए हैं करके, और वहाँ पावती ले लीजिएगा। उसमें पावती जरूर लीजिएगा ना, बीओ में ज्वाइनिंग करेंगे तो भी पावती लीजिएगा, स्कूल में ज्वाइनिंग करेंगे उसका भी पावती लीजिएगा। पावती बहुत इंपॉर्टेंट है और बीओ वाले आपको एक ज्वाइनिंग लेटर बना के और देंगे। आप डीओ से लेके जाएंगे बीओ में दीजिएगा, बीओ वाले अपना एक बना के देंगे कंप्यूटर से, कंप्यूटराइज्ड, उसको लेके स्कूल में देना रहता है। उसको फोटोकॉपी करवा के जरूर रखिएगा, ठीक है। और डी ऑफिस में भी मिलेगा, उसका 5-6 कॉपी कम से एक्स्ट्रा करवा के अपने पास रखिएगा। आपके जीवन भर पूरा प्रमोशन तक आपके वो काम आएगा, हर चीज़ में उसको लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वहाँ से एक डी ऑफिस से एक लिया जाकर बीओ में दे दिया, फोटोकॉपी कराना ही भूल गए, ठीक है, तो बाद में वो नहीं मिलेगा ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बहुत लोग गलती किए हैं ऐसा कि डी ऑफिस एक पर प्रति लिया और लेकर जाकर दे दिया, उसको ध्यान ही नहीं दिया कि उसको फोटोकॉपी कराना भूल गए उसी दिन जो लेना रहता है इस कारण। तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा और फोन को एक्टिव रखिएगा, अभी कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बस यही छोटा सा अपडेट देना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जितने लोग भी नए होंगे, और देख लीजिएगा आपके आसपास जिन लोग भी तैयारी कर रहे होंगे, हमारे आज से बैच स्टार्ट हुआ है, अपने भाई बहन सब लोग को बता दीजिएगा। और सहायक शिक्षक में जिनका चयन हो रहा है, वो अगर आपको मैदानी क्षेत्र में आना है शिक्षक के लिए, तो हमसे ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि आप लोग जॉब वाले हों तो आप लोग को मेहनत डबल करना पड़ेगा। ठीक है, चलेगा।